हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर, अ जर्नी ऑफ लर्निंग्स टू एक्सेल योर अर्निंग्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है साइकिल ऑफ इमोशंस। आपने बहुत सारे लोगों ने पहले भी कोर्सेज करे होंगे, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ आपको आता होगा, पर जब मार्केट शुरू होती है तो आपको समझ ही नहीं आता, सब ब्लैकआउट हो जाता है और आप बस रैंडम ट्रेड करना शुरू करते हो। तो ये साइकिल ऑफ इमोशंस है और ये आप में से 90% लोग यही हैं, ऐसे ही आप लोग काम करते हो। शुरू करते हो मॉर्निंग में यहाँ से और एंड करते हो कहाँ पे, बेकार है मार्केट, आज भी लॉस हो गया, फिर दोबारा हो गया कल मॉर्निंग में, यहीं शुरू करो, यहीं पे ख़त्म करोगे। 90% यही लोग करते हैं और एक दिन होता है जब आप यहाँ पे आके ख़त्म कर देते हो। यहाँ पे आके आपको लगता है मेरे को सब कुछ आ गया मार्केट में, अब मेरे को ज़रूरत नहीं, अब तो मैं डेली प्रॉफिट करूँगा। रोज आप ये सोचते हो कि आज के बाद में मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, पर फिर भी आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। बहुत सारे लोगों के साथ है। पहले इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। अगर ये आपका माइंडसेट सही नहीं होगा तो आप जितना मर्जी सीख लो, बहुत अच्छे से अच्छे सेटअप पे काम कर लो, आपको श्योर शॉर्ट ट्रेड भी मिलेगा, तब भी आप डर के मारे थोड़े से प्रॉफिट में निकल जाओगे, और अगर लॉस में जाओगे तो आप यहाँ पे निकलोगे, यहाँ पे सबसे एंड में निकलोगे जब सब कुछ लूट चुका होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि हमने सर 100 रुपये का ख़रीदा था एक दिन और उसको 2 रुपये पे निकाला और हमें 2 लाख का लॉस हो गया, 3 लाख का लॉस हो गया। मेरे सेटअप है, मैं उस सेटअप से बाहर नहीं जाऊँगा। आपको भी ये रूल बनाना है, इसकी बाद में बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं ये साइकिल है, अब इस साइकिल को समझ लेते हैं और उसको चेंज कैसे करना है वो भी समझते हैं। ठीक है, ऐसा ना होना कि ज्ञान ही रहे, ये कल से आपने अप्लाई भी करना है जो चेंज होने वाला है। मार्केट ओपन कितने बजे होती है? मार्केट ओपन होती है 9:15 पे। आप आके बैठ कितने बजे आते हो मार्केट में? 9 बजे, जब प्री ओपन होता है मार्केट का, कि गैप अप ओपन हो रही है, गैप डाउन ओपन हो रही है। अच्छी बात है, डाउट में हो आप कि आपको करना क्या है अभी तक। फिर आप सावधानी से आते हो कि यार मैं आज गलत ट्रेड नहीं लूंगा, मेरे को आज एक ट्रेड लेना है, पॉजिटिव ट्रेड लेना है और मेरे को प्रॉफिट होगा, मैं निकल जाऊंगा कॉन्फिडेंस के साथ में। आपको कॉन्फिडेंस होता है पहले ट्रेड में, आप कॉन्फिडेंस का ट्रेड लेते हो, आपको प्रॉफिट होता है। 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड में आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होगा, होता भी, आपको पता है सब कुछ। प्रॉफिट हुआ, आपने 1000 रुपये बना लिए, कितने? 3 मिनट में, 3 मिनट में बनाए। आपको लगा यार कल मेरा 5000 लॉस हुआ था, बहुत अच्छा था यार, शिट यार यहाँ तक मार्केट जा रही है, मैंने बाई नहीं करा और ट्रेंड था बिल्कुल, और मैं यहाँ तक कैप्चर कर सकता था ऊपर तक। आप सोचते यार इतना बड़ा मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ गई है। आप इसको ऐसे समझ लेना कि मार्केट चाहे गैप अप है, चाहे आप कॉल साइड का ट्रेड ले रहे हो, पुट साइड का ट्रेड ले रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका इमोशंस की साइकिल है, कैसे चलता है उसकी बात कर रहे हैं, उसको चेंज करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप दोबारा से आप लेते हो यार शिट यार मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हुई, मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, मेरे को यहीं से ले लेना चाहिए था, पहले तो गलती कर ली मैंने, मेरे को दिख तो रहा था ऊपर जाना है। आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट होते हो, आप ट्रेड लेते हो, आप 1000 रुपये कमाते हो, यार मैंने आज बहुत सही ट्रेड पकड़ा था, बट मैंने 1000 रुपये में निकाल दिया, अगर मैं इसको होल्ड करता 10000 रुपये बनता मेरा, बट यार कोई बात नहीं, अब ये बहुत ऊपर आ गया है, अब क्या है कि ये जाएगा नीचे, तो नीचे जाएगा, पता नहीं आपको क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, जाएगा भी कि नहीं जाएगा, बट आपको लग रहा है क्योंकि आ चुके हैं ना ग्रीड के, यार इतना ऊपर आ गया, अभी नीचे जरूर जाएगा, मैं यहाँ से ना पुट ले लेता हूँ, अभी पुट ले लेता हूँ, तो अब मैं इसको नीचे सेल करूंगा और मैं ना प्रॉफिट ले लूंगा, बहुत अच्छा मूव छोड़ दिया मैंने आज, शिट। अब आप दोबारा से ट्रेड लेते हो लालची होके कि यार अब प्रॉफिट लेना है, आप भूल गए कि आपने क्या सोचा था कि मैं आज एक ट्रेड लूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ लूंगा, एक प्रॉफिट होगा, निकल जाऊंगा। नहीं, आपको यहां आके लालच हो गया, ओवर एक्साइटेड होके आपने दोबारा ट्रेड लिया। आप इसको चार्ट मत समझना, ये आपके इमोशंस हैं, ये आप लोग हो, आपके अंदर जो चलता है वो है, ये आपके जो ब्रेन में चलता है ना वो चीज है ये। इसको चार्ट के हिसाब से मत सोच लेना कि यहाँ से गैप अप हुई, ऊपर गई और इसे नीचे आई, नहीं, ये आप हो, ये आपके अंदर के इमोशंस हैं, जो आपके अंदर सोच आती है मार्केट में। यहाँ पे आपने प्रॉफिट करा, निकल गए, लालच आया, आपने दोबारा ट्रेड लिया कि यार अब इतना ऊपर मार्केट आ गया, अब नीचे जाएगी डाउन में। ठीक है, आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेते ही वो आपको 3000 रुपये और प्रॉफिट दिखा दिया, आपने सोचा वाह यार ये है ना मजा, मैंने दोबारा ट्रेड पकड़ा, अच्छा अगर कॉल साइड का नहीं पकड़ सका तो मैं पुट साइड का ले लेता हूँ, तो इसमें पैसा तो बन रहा है मेरा, एंड ऑफ द डे पैसा तो चाहिए। ट्रेड लेते हो,
क्या होता है कि आपका ट्रेड आपके वो कंसोलिडेट होती है, सिर्फ मार्केट कंसोलिडेशन में आपको लगता है कि यार मेरा और पैसा बन गया, मेरा बिल्कुल राइट डिसीजन था, मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया, लालच बढ़ गया आपका। अब क्या हुआ, वो आपके अगेंस्ट जाने लगा, वो प्राइज एक्शन बना के, वो एक प्राइज एक्शन बना के ऊपर जाने लगा। तो जैसे ही वो ऊपर गया, थोड़े से उदास हो गए यार कि यार ट्रेड तो मैंने लिया, प्रॉफिट भी दिया, शायद मैं यहाँ निकल जाता तो अच्छा रहता, मेरे को 3,000 बन जाता तो बढ़िया रहता दिन, मेरे को नहीं आना चाहिए था ट्रेड में। यहाँ आके आप उदास हो गए, फिर दूसरा मूड स्टार्ट होता आपके अंदर डिनायल कि यार कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 रुपये तो मेरा प्रॉफिट था ही था, ये मैंने दूसरा ट्रेड लिया, अगर मैं इसको कट कर दूंगा सिर्फ ब्रोकरेज तो जाएगी, नो मतलब 1,000 प्रॉफिट मैं निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक वेट करता हूँ। जब आप यहाँ पहुँचते हो तो आपको लगता है यार कि यार 1,000 रुपये प्रॉफिट है, हो सकता है कि आपकी फेवर में चला जाए, तो आप क्या करते हो उसको होल्ड करते हो, यार 1,000 रुपये प्रॉफिट तो है, क्या लेके आया था मैं सुबह मार्केट में, आज अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा तो थोड़ा रिस्क लेके देखते हैं ना। आप क्या करते हो, उसको पहुँच जाते हो, यहाँ पर आ जाते हो आप कंसर्न पे, आप ना थोड़ा टेंशन में आ जाते हो कि यार मेरे को करना क्या है यार, कि शिट यार मैं अब लॉस में जा रहा हूँ थोड़ा सा, अब मेरा जो प्रॉफिट था वो सारा चला गया, अब आपको 100 रुपये लॉस दिखाने लगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1,000 रुपये का लॉस हो गया और आपका दिमाग हो चुका है ख़राब कि यार 1,000 रुपये मैंने यहाँ कमाया, 3,000 तक मैं यहाँ पर कमा बैठा था और मैंने ये क्यों ट्रेड होल्ड करा, और आपको डर लग गया, शुरू हो गया डर लगना, पैनिक हो गया आप पैनिक, और उसके बाद में मार्केट से गायब, 10:30 बजे तक आपकी कहानी ख़त्म मार्केट से। फिर क्या होगा, फिर आपका माइंडसेट खराब रहेगा, 10:30 बजे से लेके अगले दिन 9 बजे तक आपका दिमाग खराब हो, आपका दिमाग खराब, फिर आप दोबारा से 9 बजे सुबह का मार्केट का वेट करोगे या फिर आड़े तीर से ट्रेड करोगे, अगर आपके पास पैसा है दिन भर आप आड़े तीर से ट्रेड करोगे, अटैम्प्ट करोगे ना, लॉटरी खेलोगे, एक और लेता हूँ, हो सकता है रिकवर हो जाए, 1,000 रुपये बनेगा, फिर 5,000 लॉस होगा, वो ख़त्म, कहानी ख़त्म, फिर अगले 9 बजे जाके वही शुरू हो जाएगा। ये चेंज करना है, चेंज क्या करना है, ये मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रखी है, आप देखो और फिर आगे आते हैं। जैसे ये टेक्स्ट चेंज हुआ, ये सेम चेंज ओवर आपकी लाइफ में आना चाहिए, इमोशंस आते हैं पर ये पहले आने चाहिए, आपकी स्टडी के ऊपर नहीं आने चाहिए कि आपने जो पढ़ रखा है वो सब दब जाए इसके नीचे, नहीं। फिर आता है ग्रीड, ग्रीड आपके अंदर जब आती है तब आपको डुबा देती है। पहले आपकी ग्रीड कब आ रही थी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस यहाँ जैसे आ गया था और यहाँ जैसे आप बिल्कुल ट्रेड इनिशिएट कर दिया था, बाई कर लिया था और यहाँ आके आप फुल कॉन्फिडेंस में थे कि मार्केट मेरे को सब पता है, अब तो दिन मेरा ही है, ठीक है, और यहाँ आके आपको और प्रॉफिट दिया, लालच बढ़ा आपका, आप यहाँ आके बाहर मार्केट से हो चुके हो। एक पढ़ा लिखा सुलझा इंसान है, स्टडी करके आ रहा है, वो शुरू करता है, ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में भी होंगी, उसको डेली होती हैं, मेरे को भी होती होंगी, सबको होंगी आने वाले टाइम में भी, और होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। जब आप यहाँ लालच में, आपको ठीक है यार आप ट्रेड लूँगा यार आप प्रॉफिट होगा, ठीक है, बट आपको डाउट है अभी भी, अब होते हैं 10:30, यहाँ तक आप बड़ा कॉन्शियस थे कि ठीक है यार मेरे को ट्रेड करना है, अब मेरा सेटअप बन रहा है, मार्केट ने ब्रेक करा, कैंडल जिस भी सेटअप पे आप जिस भी फॉर्मूला पे काम कर रहे हो, आगे कैंडल फॉर्म होना शुरू हो गई, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपने यहाँ से ट्रेड ले लिया। टाइमिंग कोई भी टाइम हो सकता है, हम 10:30 बोल रहे हैं तो कोई 10:30 पे एक बंदा यहाँ शुरू करके 9:20-9:15 से शुरू करके 10:30 तक खाली होके चला गया था। अब क्या होता है कि जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया, आपने ट्रेड लिया, आप फुल कॉन्फिडेंट हो, आपके इमोशंस हैं, ये इमोशंस हैं, आपने 10:30 पे इस इमोशन पे आके आराम से ठंडे दिमाग से यहाँ से आप शुरू करते हो, अब आपकी गेम शुरू होती है, ठीक है, ये आपके इमोशन साइकिल्स हैं। जो वेट करेगा, जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेगा, सिंगल ट्रेड करेगा, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करेगा, उसकी लाइफ में चेंज ओवर आएगा। अगर आप मान लिया कि इसी मोड में रहोगे कि ठीक है आप सुबह आओगे और आपकी ज़िंदगी में यही सब चीज़ें चलती रहेंगी, तो यहाँ आके रोज़ खाली होके चले जाओगे, ये नहीं होना चाहिए, इनको चेंज करना है, इसके ऊपर काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस है। आप एक चीज़ नोट करो, 5 दिन मार्केट ओपन हुई है, 5 दिनों में से अगर उस ट्रेड को लेके आपने 9:15 पे छोड़ दिया, आपको कुछ नहीं आता है, छोड़ दिया, और 3 o'clock आप उसको सेल करते हो या आप डेली करते हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप एक चीज़ देखोगे,
5 दिनों में से 2 दिन ऐसे होंगे जिनमें आपका लॉस होगा, 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें आपका एक्सट्रीम प्रॉफिट होगा, 1 दिन होगा ऐसा जिसमें आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर मान लिया आपको कुछ भी नहीं आता, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बट आप कब मरते हो, जब आपको सब चीज़ें होता है पता, तब आप ओवर स्मार्ट बनते हो यार, ये सेटअप बन रहा है यार, आप अपने आप को इतना कन्फ्यूज करते हो, आपको इस सेटअप से भी ट्रेड चाहिए, इससे भी चाहिए, इससे भी चाहिए, इससे भी चाहिए, और एंड ऑफ द डे एक ट्रेड ऐसा होगा जो आपके सारे प्रॉफिट को खा जाएगा। एक ट्रेड 1 दिन में करना है, ट्रेड करो, उसके बाद में प्रॉफिट हो लॉस हो अपने हिस्से के पॉइंट लो, निकलो मार्केट से, नहीं तो इस साइकिल से ही लाइफ भर नहीं निकल पाओगे, आगे क्या करेंगे। इस चीज़ को प्लीज़ आप समझना, इसको सीरियस होके इस क्लास के ऊपर फोकस करना। ये इमोशंस लूज़र के अंदर भी हैं, ये प्रो के अंदर भी हैं, बट होता क्या है, लूज़र जहाँ पे सब चीज़ें ख़त्म करके मार्केट से आउट होता है, प्रो वहाँ पे एंट्री करता है, ठीक है। तो आपको प्रो बनना है ना कि लूज़र बनना है। फ़ायदा तब है अगर ये लाइफ में आपके काम आए। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।